हरे कृष्णा राधे राधे। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो कहानी हम सुनेंगे उसका शीर्षक है भगवान का शुक्रिया, भगवान का धन्यवाद। जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं, संकटों से घिर जाते हैं, तो उसके लिए भगवान को ही गुनहगार मानते हैं। मेरी क्या गलती थी, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। सभी लोग भगवान को दोष देते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी मुश्किलों का, हमारी परेशानियां कम होने लगती हैं, तो भगवान का धन्यवाद हम कभी नहीं करते। ये भूल जाते हैं कि भगवान ही है जिसने हमारे दुखों को कम करके हमें उबार लिया है। सुख या दुख जो भी मिला था हमारे द्वारा किए गए कामों का ही परिणाम था। आम का पेड़ लगाएंगे तभी तो आम मिलेंगे, नीम या बबूल का पेड़ लगाकर आम की आशा नहीं की जाती। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रामू अपनी पत्नी के साथ राजा के बाग बगीचों की देखभाल करता था। राजा के महल में बहुत ही बड़ा बाग था जिसमें बहुत सारे फलों के पेड़ लगे थे। रामू और उसकी पत्नी इन पेड़ों की देखभाल करते। पके और मीठे फल रोज राजा जी के लिए लाए जाएं, ऐसा रामू को निर्देश दिया गया था। इसीलिए रामू रोज मीठे फलों की टोकरी भरकर राजा जी के दरबार में लेकर जाता था। कभी आम ले जाता तो कभी अमरूद, कभी रसीले संतरे तो कभी मीठे सेब। इस तरह रामू का रोजाना का नियम चल रहा था। एक दिन रामू ने देखा बाग में बहुत सारे फल एक साथ पककर तैयार हुए हैं। बेर, अमरूद, सेब, नारियल, अंगूर, सभी से बाग भरा पड़ा है। समझ नहीं आ रहा था कि आज कौन सा फल राजा जी को पेश करूं। कभी सेब के बारे में सोचता तो कभी अमरूद के बारे में। इतने में उसकी पत्नी बोली, अंगूर की बेल की ओर देखो, अंगूर कितने अच्छे लग रहे हैं, आज आप महाराज के लिए अंगूर ही ले जाना। पत्नी की इस बात को सुनते ही रामू के दिमाग की दौड़ समाप्त हो गई और उसने मीठे मीठे अंगूरों की टोकरी भरी और दरबार की ओर चल दिया। उस दिन राजा राज्य संबंधित किसी समस्या से बहुत चिंतित था और शायद थोड़ा नाराज भी। रामू ने अंगूरों से भरी टोकरी राजा जी के सामने रख दी और खुद कुछ दूर जाकर बैठ गया। चिंता में डूबे महाराज ने टोकरी से एक अंगूर उठाया और जोर से फेंका। अंगूर जाकर रामू के सिर पर लगा। रामू चौंका। अभी रामू कुछ समझ पाता कि एक और अंगूर उसे आकर लगा। रामू ने राजा जी की ओर देखा तो पाया कि अपने विचारों में खोए महाराज अंगूर खाने की बजाय फेंके जा रहे हैं। 3, 4, 5, 6 इस तरह कई अंगूर आकर रामू को लगते रहे। एक और अंगूर रामू के माथे पर लगा और रामू के मुंह से निकला, हे भगवान तेरा धन्यवाद, तू बहुत ही दयालु है। अब जब भी कोई अंगूर रामू को लगता तो वो यही शब्द दोहराता, हे भगवान तेरा धन्यवाद, तू बहुत ही दयालु है। इसी क्रम को चलते चलते काफी देर हो गई कि अचानक रामू के शब्दों से महाराज का ध्यान टूटा और उन्हें एहसास हुआ कि वो क्या कर रहे हैं और इसके उत्तर में ये किसान कुछ बोल रहा है। उन्होंने कड़कती आवाज में रामू से पूछा, अभी अभी तुमने क्या बोला। रामू डरते हुए बोला, महाराज मैंने कहा हे भगवान तेरा धन्यवाद, तू बहुत ही दयालु है। राजा जी बोले, मैं तुम्हें अनजाने में अंगूर मारता रहा और तुम ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हो, बात कुछ समझ नहीं आई। रामू बोला, महाराज आज बाग में बहुत सारे फल पककर तैयार थे, अमरूद, सेब, बेर, नारियल, बहुत सारे फल। मैं अभी सोच ही रहा था कि आज कौन सा फल आपको भेंट करूं, इतने में पत्नी ने कहा कि अंगूर मीठे लग रहे हैं, आज वही ले जाओ। पत्नी की बात मानकर मैं अंगूरों की टोकरी ले आया। यदि मैं आज अमरूद, सेब, नारियल में से कुछ ले आता तो मेरा क्या हाल होता। इसीलिए मैं भगवान का धन्यवाद कर रहा हूँ जिसने मेरी पत्नी के माध्यम से आज मुझे बचा लिया। तो देखा आपने, हम कितना गलत सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ बुरा किया,
जबकि भगवान तो हर रूप हर परिस्थिति में हमारे लिए कुछ अच्छा ही करते हैं, लेकिन हम उनका धन्यवाद ही करना भूल जाते हैं। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही फिर मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।